अब नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई टाइट पैंट पहन सकता है और ना ही बालों में कलर करवा सकता है। तानाशाह किम जोंग का ये नया फरमान मेल और फीमेल सब पर लागू है। ये तानाशाह इससे पहले भी कई उटपटांग बैन लगा चुका है और इन नियमों को ना मानने का मतलब कई बार मौत भी हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनके फॉरेन कल्चर को खतरनाक जहर बताने के बाद से नॉर्थ कोरिया में फॉरेन कल्चर से प्रभावित चीजों जैसे स्त्री जींस, टाइट पैंट्स, हेयर स्टाइल, इयरसिंग को बैन कर दिया गया है। अब अगर कोई भी टाइट पैंट्स में नजर आया तो उसे तुरंत सजा दे दी जाएगी। हालांकि अमेरिका से रिश्तों में तनाव के चलते नॉर्थ कोरिया में पहले से ही जींस पहनने पर रोक लगी हुई है। तो आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स को बताते हैं। बात शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि इन बातों का कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छन छन के बाहर आए हैं। साल 2016 की सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग जब 2011 में सत्ता में आए तो अगले 5 सालों में उन्होंने 340 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। इनमें से किसी को किम के बुरे बर्ताव के चलते किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मारे गए लोगों में से 140 लोग देश की सरकार, सेना और सत्तारूढ़ कोरियाई वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी थे। साल 2013 में किम ने तख्ता पलट करने की कोशिश के चलते अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 2016 में उत्तर कोरिया के श्रेष्ठ शिक्षा अधिकारी किम योंग, जिनको देश की सुप्रीम पीपल असेंबली में किम जोंग के खिलाफ बोलने पर अपनी जान गंवानी पड़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर 2021 को किम जोंग ने अपने पिता की 10वीं वर्षी पर 11 दिन के लिए लोगों के शॉपिंग करने और शराब पीने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान अगर किसी की भी मौत हो जाती तो उसका परिवार जोर से रो भी नहीं सकता था। यह तो सिर्फ शुरुआत है। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के हैरत में डालने वाले अजीबोगरीब नियमों के बारे में। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग ना तो अपनी मर्जी के मुताबिक बाल कटवा सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से न्यूज़ देख सकते हैं। उन्हें सिर्फ सरकारी न्यूज़ चैनल ही देखने की आज़ादी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल की भी इजाज़त नहीं है। वहीं वॉइस और इंटरनेट भी कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ बाइबल रखना, विदेशी म्यूजिक सुनना, फिल्में देखना भी यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में आता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति बाल कलर नहीं कर सकता। वहीं ब्लू जींस पहनना इतना भारी पड़ सकता है कि उसके लिए जेल तक जाना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पर लेदर जैकेट पर भी बैन लगा हुआ है। साउथ कोरिया में केवल किम जोंग ही लेदर की जैकेट पहन सकते हैं। तो यह थे उत्तर कोरिया के बेहद अजीबोगरीब कानून जिन्हें वहाँ की जनता सालों से फॉलो कर रही है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।